वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलिए, दो ये वर्ड लिखे हुए हैं, रेटिंग एजेंसीज एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो रेटिंग एजेंसीज क्या है? बैंक के पास कोई पार्टी आई, उस पार्टी ने अपने कागज़ दिखा दिए। अब ना तो हम उस पार्टी को आज से पहले देखा था, ना हमने कागज़ देखे थे, अब देख के पता लगा हाँ ये कोई है। लेकिन फिर भी उन कागजों के बाद भी हो सकता है कि उसमें कोई गलती हो या कोई फ्रॉड हो रहा हो या ऐसी कोई चीज़ हमसे छुप रही हो। तो जब बड़े लोन होते हैं तो बड़े लोन के लिए बैंक पहले से उनको प्रीफर करता है जिन्होंने अपनी रेटिंग करा रखी है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि देश की भी रेटिंग होती है, ठीक है, वेबसाइट की भी रेटिंग होती है, अलग अलग चीज़ों आइटम की भी रेटिंग होती है। तो रेटिंग क्या है? रेट करना, एक स्केल में उसको लाना। ठीक है, तो रेटिंग एजेंसीज में जैसे सबसे पहले मैं नाम लिखूंगा जो सब, अच्छा तो आप लोग बताओ किसी एक रेटिंग एजेंसी का नाम। मूडी, बिल्कुल ठीक है, और बोलो मूडीज करके है, और बोलिए 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 कुछ भी है, क्रिसिल, वेरी गुड, कौन सी, सिबिल, सिबिल वो अलग है, वो अलग है, और बोलिए। अभी आपने दो बोली, मूडी एंड क्रिसिल। आपने सुना हुआ स्टैंडर्ड एंड पुअर, स्टैंडर्ड एंड पुअर अमेरिकन कंपनी है, बहुत नामी गिरामी कंपनी है। ठीक है, अर्नेस्ट एंड यंग, ये भी एक कंपनी है। ठीक है, इसके अलावा फिच, हाँ, इसके अलावा फिच इंडिया, कुछ फर्क समझ में आ रहा है दोनों नामों में, फिच और फिच इंडिया, फिच और फिच इंडिया। ठीक है, और इसके अलावा केयर, इकरा, समेरा, ब्रिक वर्क, ये सीधे सीधे क्वेश्चन हैं आपके, क्योंकि जो नाम आपने नहीं सुना होता है आपको लगता है यही गलत है, कुछ नाम अजीब से नहीं लग रहे हैं, लेकिन ऑल दे आर रेटिंग एजेंसीज, इंडिया की भी और बाहर की भी। ठीक है, तो जैसा कि दो चार नाम तो बिल्कुल साफ साफ लग रहे हैं, मूडी, स्टैंडर्ड एंड पुअर और अर्नेस्ट एंड यंग और फिच, ये कहाँ की है? बाहर की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? बाहर की कंपनीज है। ठीक है, अब यहाँ देखो, स्टैंडर्ड पुअर को मैं इससे कनेक्ट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ बता सकते हो? कि जो क्रिसिल है स्टैंडर्ड एंड पुअर की इंडियन ब्रांच है, क्रिसिल जो है स्टैंडर्ड एंड पुअर की इंडियन ब्रांच है, सब्सिडी कह सकते हो उसकी कंपनी है। ठीक है, जैसे सोनी और सोनी इंडिया, फोर्ड, फोर्ड इंडिया, आप वेबसाइट देखना ford.com अलग है fordindia.com या ford.com/india, गूगल इंडिया, तो क्या है इंडिया कॉन्टिनेंट में जो बिजनेस रन करेंगे वो उसको इंडिया नाम दे दिया उन्होंने। ठीक है, ठीक है, अच्छा, अब फिच और फिच इंडिया लिखा हुआ है, तो इसमें इंडियन कौन सी होगी? फिच इंडिया, और ये कौन है? फिच। ठीक है, फिच इंडिया इंडिया का ब्रांच हो गया और ये फॉरेन ऑस्ट्रेलिया का था, फिर बाद में शायद शिफ्ट हुआ है कहीं जर्मन वगैरह चला गया। ठीक है, ठीक है, अच्छा, अब क्या है? केयर, केयर और ऐसी क्या है? इकरा। भाई रेटिंग एजेंसी, एजेंसी फॉर रेटिंग, रेटिंग एजेंसी नाम है। ठीक है, इनके फुल फॉर्म नहीं आते लेकिन ये जरूर पूछ रहे इनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, अब समेरा, समेरा में ये दो वर्ड, ये तीन वर्ड बहुत हुए हैं, एसएमई, एसएमई रेटिंग एजेंसी। तो एसएमई के बारे में क्या बात है अभी अगले चैप्टर में बताऊंगा, सेगमेंटेशन में तब बताऊंगा। ठीक है, तो एसएमई क्या है? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस रेटिंग एजेंसीज, ऐसी ब्रिकवर्क भी रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, दो चार नाम और हैं, जब आप इंटरनेट में गूगल करेंगे तो फिर वो पूरे नाम दिखा दें, जो मेरे को भी याद आ रहे हैं पढ़ाने के, समझाने के लिए बेसिक चीज़। अब ये रेटिंग क्या करती हैं?
ये आपकी रेटिंग करती हैं, किसकी रेटिंग करती हैं, कंट्री की, कंपनी की, क्या किसी आदमी की भी रेटिंग करती हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल आदमी की रेटिंग नहीं करती, ठीक है, क्लियर हो गया। कंपनी की या कंट्री की रेटिंग, वो ट्रिपल ए प्लस, बी प्लस, डबल बी माइनस, वो आता है न्यूज़ में कि S&P ने इस कंट्री की रेटिंग इतनी कर दी, इतनी कर दी। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर के बारे में बोलते हैं, इसने एक बार अमेरिका की भी रेटिंग डाउन कर दी थी, और जिस समय अमेरिका की रेटिंग डाउन करी थी उस समय कोई इंडियन, कोई सम शर्मा थे, इसके CEO थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा बाद में। वो अलग चीज़ है बिल्कुल, वो रेटिंग एजेंसी नहीं है, वो इंडेक्सेस हैं, देखो डिफरेंट है, हाँ वो सूचकांक अलग है, HDI ह्यूमन डेवलप, वो बिल्कुल अलग चीज़ है, हाँ ठीक है, ईज ऑफ डूइंग है उसमें, क्लीनलीनेस पे, स्मार्ट सिटी रैंकिंग है, अभी कुछ आया था, अभी कल देख रहा था न्यूज़ में कि दुनिया के स्मार्ट सिटी रैंकिंग में भारत के 100 स्मार्ट सिटी में से एक भी नहीं शामिल, दुनिया के जो स्मार्ट सिटीज़ हैं उनमें भारत के 100 में से एक भी शामिल नहीं, पॉल्यूशन वाले में है, पॉल्यूशन में तो कई 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 है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, ये क्या करती है किसी कंट्री की। अब इस कंट्री की रेटिंग से मतलब ओवरऑल रेटिंग, और ख़ासकर से इसमें फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अलग चीज़ हो गई, तो फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल यानी मैनेजमेंट की तरह से जो काम करते हैं, ठीक है, और कंपनी की होती है रेटिंग। इन रेटिंग से फ़ायदा क्या होता है भैया, वैल्यू होती है। अब जब जब आप इन कंपनियों के बॉन्ड डिबेंचर खरीदते हैं तो उसमें लिखा रहता है AA rated bond, तो जो कंपनी की रेटिंग होगी उसका वो रेट आएगा बॉन्ड में, तो आपको थोड़ी उम्मीद रहेगी भाई ये अच्छा पैसा, मतलब इसका पैसा डूबेगा नहीं, और नेगेटिव है नेगेटिव है। अच्छा एक होता है अनरेटेड, अनरेटेड का मतलब जिसने रेटिंग कराई नहीं, ऐसे भी हो सकता है रेटिंग नहीं कराई तो अनरेटेड है, ठीक है, तो बात समझ में आ गई क्लियर, ठीक। अच्छा रेटिंग अगर कराओगे तो कुछ ना कुछ तो देगी वो, और नहीं कराओगे तो अनरेटेड, सबसे छोटा वाला दे देगी, ठीक है। अब अगला वर्ड है क्रेडिट इंफॉर्मेशन, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, रेटिंग एजेंसीज और हाँ ठीक है। इसमें क्या है देखिए, एक वर्ड और मैं लिख रहा हूँ कैमल, क्या लिख रहा हूँ कैमल रेटिंग भी होती है, पर ये रेटिंग रेटिंग एजेंसी की नहीं होती है, ये एक स्टैंडर्ड रेटिंग है, कोई भी कर सकता है इस रेटिंग को, और कैमल में कैपिटल एडिक्वेसी मैनेजमेंट इक्विटी लिक्विडिटी ऐसे करके कुछ है इसका नाम। तो किसी कंपनी की जब इतने एस्पेक्ट में देखा जाएगा तो जो रेटिंग निकल के आएगी तो वो कौन सी रेटिंग कहलाएगी, कैमल रेटिंग, ठीक है। ये भी आता है कई बार कैमल, इसमें कैमल भी पूछता है कैमल में ई का मतलब क्या है या एल का मतलब क्या है, तो जैसे आप देखोगे ना कैमल रेटिंग के एब्रीविएशन तो इसके चार वर्ड मैनेजमेंट लिक्विडिटी कैपिटल और इक्विटी ऐसे करके कुछ है, ठीक है। अच्छा अब आ गया अगला क्या, क्रेडिट रेटिंग। देखो एक तो ही रेटिंग, जैसे मान लिया ONGC का हॉस्पिटल है उसकी रेटिंग हो गई AAA+, तो उसमें ये शब्द नहीं आया क्या, क्रेडिट। तो क्रेडिट रेटिंग किसकी होगी, जो लोन लेने वाला है या लोन जिसने ले रखा है, जो लोन लेने वाला है या लोन जिसने ले रखा, लोन लेने वाला है या लोन जिसने ले रखा, क्लियर बात हो गई, ठीक है। अब देखिए जरा, तो क्रेडिट रेटिंग इसको बोलते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या क्रेडिट इंफॉर्मेशन, ये तो लिखा ही हुआ, ठीक है। तो बता सकते हैं इंडिया में कि कौन कौन सी कंपनी है जो एक सबसे बड़ा नाम आपके मुंह पे रहता है क्या, सिबिल, क्या इसके अलावा कोई है या नहीं है, पहला क्वेश्चन। गवर्नमेंट कोई नहीं है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, सब प्राइवेट है, पता है आपको चार हैं, आमतौर पर हम यहीं पर स्टक हो जाते हैं, कितनी है, चार क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया में वर्क कर रही हैं, सिबिल है, हाई मार्क है, इक्विफैक्स है,
और चौथा एक्सपीरियन है, क्या है? एक्सपीरियन, ठीक है। सिबिल की रेटिंग, सिबिल की फुल फॉर्म है, बाकी तो अपने आप में नाम है, सिबिल है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो कहते हैं सिबिल रिपोर्ट ले आओ, तो सिबिल रिपोर्ट इज टॉकिंग अबाउट योर क्रेडिट इंफॉर्मेशन, उसमें क्रेडिट हिस्ट्री। अच्छा, अगर क्रेडिट हिस्ट्री आपकी जीरो है तो उसमें वो शायद माइनस वन करके स्कोर आता है, उसमें माइनस वन क्या आता है, तो माइनस वन स्कोर आता है, तो उसमें बताया कि आपने अभी तक लोन, तो बैंक वाला सोचता है दिया नहीं चलो दे दो, लेकिन खराब अगर है तो बैंक दे सकता है नहीं दे सकता, और डिपेंड करता है कैसा लोन ले रहे हो, क्या कर रहे, मतलब आप गोल्ड लोन लेने, गोल्ड के अगेंस्ट में लोन लेने चले गए तो हो सकता है ये देख रही ना आपकी कि आप कुछ भी थे मुझे तो क्या दे जा रहे हो, समझ आ रही बात। ये रेटिंग 300 नंबर से लेके कितने तक मिलती है, 900 तक, कितनी मिलती है 300 से लेके 900 तक। कई बार आता है ये आपके में आ सकते हैं क्योंकि आजकल बहुत अंदर से क्वेश्चन आने लग गए हैं कि सिविल रिपोर्ट जो है मैक्सिमम कितने अंक मिलते हैं, ठीक है। अब किसी के मान लिया 700 हैं तो आमतौर पर 700 से ऊपर वाले को लोन मिल जाता है, ठीक है। 800 से ऊपर वाले को बहुत जल्दी मिल जाता है, 900 वाले के तो कहने क्या, ठीक है, समझ में आ रही। और 650 या 600 से जब नीचे जब जाते हैं हम, 650 या 600 से नीचे जब हम जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे प्राइवेट बैंक 600 से नीचे भी दे देते हैं, वो देखते हैं लोन क्या ले रहा है, हाउसिंग लोन में दे देते हैं कि भाई मकान तो बेच ही लूँगा मैं, गाड़ी का भी देते हैं, लेकिन आप जाओ कि मुझे जो है पर्सनल लोन दे दो विदाउट सिक्योरिटी वाला, वो नहीं देंगे क्योंकि आपकी रेटिंग यहाँ पे क्या हो रखी, डाउन। और सिबिल जो है हर 2 महीने में आपकी रेटिंग को चेंज करता है, हर 2। और सिबिल से हम वेबसाइट में जाके, आजकल तो paisabazaar.com सुना है, वो आपकी फ्री सिबिल दिखा देता है, आप खुद अपनी सिबिल देख सकते हैं, उसमें पैन नंबर ज़रूर होना चाहिए और आईडी आधार नंबर डालते हैं तो वो दे देता है कि हाँ, तो वो कह देगा है या नहीं है, ठीक है, समझ में आई बात है। अच्छा, अब बात आई इनकी, ये भी कंपनीज हैं, जैसे सिबिल एक कंपनी, इसमें कई बैंकों ने और कुछ लोगों ने मिलके सिबिल के साथ एक नाम आता है, इज अ कोलैबोरेशन विद, सुन लेना ध्यान से, हाँ, ट्रांस यूनियन, क्या है, ट्रांस यूनियन। तो जब रिपोर्ट आती है इसकी, सिबिल ट्रांस यूनियन रिपोर्ट आती है, यहाँ थोड़ा सा मैं एक चीज छोड़ गया था, S&P की बात करी, S&P जो हमारा शेयर मार्केट है, सेंसेक्स, उस सेंसेक्स का जो नाम है लिखा आता है S&P सेंसेक्स। S&P क्यों लिखा आता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी इसने अपनी पार्टनरशिप ले रखी है, और उस पार्टनरशिप के चलते उस सेंसेक्स के नाम के साथ क्या जुड़ा हुआ है, समझे, जैसे मारुति सुजुकी, दो अलग अलग है ना, है ना, तो ऐसे नाम ब्रांडिंग में उनके नाम आते हैं कंपनियों में, ठीक है, क्लियर हो गया बात। तो ये हमने बात करा ट्रांस यूनियन, सिबिल की बात करी, हाई मार, ऐसे ही कुछ बैंकों ने ये बना रखी, कुछ बैंकों ने ये, तो कितनी रेटिंग एजेंसी हो गई, 4। तो ये रेटिंग एजेंसी का बेसिक चीज़ है, फिर वही है, इस रेटिंग एजेंसीज के बेसिस पे बैंक आपकी रिपोर्ट देख के आपको लोन देगा या ना देगा उसका डिसीजन लेता है, ठीक है। और आजकल तो बैंकों में जॉब लगता है तो भी सिबिल रिपोर्ट लगती है, अगर आपने कोई लोन डिफॉल्ट कर रखा है, नहीं ले रखे से मतलब नहीं है, डिफॉल्ट लेने में तो क्या होगा, आपका कहीं IIT कहीं सिलेक्शन हो रहा तो आप लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन 16 साल में ले लेते हैं एजुकेशन लोन, डिफॉल्ट की बात आ रही है, क्या आ रही है, लोन लेना बुरी बात नहीं है, लोन समय पे ना देना बुरी बात है। क्या पूछता है, लेकिन वो बहुत इररिलेवेंट हो गया है क्योंकि आजकल सबके डेटा कहाँ अवेलेबल है, इंटरनेट पे, लेकिन इंटरनेट पे सुनो कैसे होता है। अब मान लिया 2 बैंक यहाँ है, 2 बैंक यहाँ है, इनके पास भी 10 लोगों ने लोन लिया, इनके पास भी 15 लोगों ने लोन लिया, ये दोनों लोग मुझको सिबिल को रिपोर्ट भेज रहे हैं और मैंने सबकी लिस्ट बनाई, पता लगा 2 लोग ऐसे हैं जिसने यहाँ से भी लोन लिया है और यहाँ से, तो उसमें 7 आ जाएगा,
पता लगा जैसे कोई जो जानकार नहीं है वो पीएनबी से लोन लिया, उसने कार लोन वहाँ डिफॉल्ट कर रखा और स्टेट बैंक से हाउसिंग लोन चलने चला गया, तो अच्छा तुमने तो वहाँ से हाउसिंग लोन ले रखा, वो कार लोन डिफॉल्ट कर रखा, कैसे पता लगा? वो सारी मंथली डेटा सिबिल या इन सबको अवेलेबल कराते हैं और अवेलेबल के बाद उसको पूरा असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद नाम देख लेते हैं। कैसे मैच करते हैं? सबसे पहले पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, नाम, वोटर कार्ड, आधार कार्ड आजकल तो कॉमन हो गया, तो एक आधार कार्ड के दो लोन निकल आए, भले ही नाम या राम सिंह लिखा है या आर सिंह लिखा हुआ है, वे हाँ ये वही है भैया, समझ आई बात? तो ऐसे करके पकड़ में आ जाएगा। तो इसका रूल समझ में आ गया, रेटिंग एजेंसीज और उसको बैंक इसको, अच्छा रेटिंग एजेंसी का एक और यूज है कि बैंक रेटिंग के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है, जिसकी बहुत अच्छी रेटिंग हुई जिस कंपनी की उसका इंटरेस्ट रेट 9.23, जिसकी खराब है उसका 9.64 ऐसे समथिंग। तो नेगोशिएशन होता है। अब कोई बहुत ठीक ठाक बिजनेसमैन अगर बैंक से लोन लेने जाए तो बैंक वाला लोन देने को तैयार होगा, लेकिन वो दो बैंकों में जाके कहेगा भाई कम कौन लगाएगा, जिसका रिकॉर्ड अच्छा है, जिसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं वो कहेगा भाई कितना ही लगा ले लेकिन दे दे, ठीक है। तो इसका रोल समझ में आ गया, रेटिंग एजेंसीज और वो